हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो अभी। सूर्यवंशी। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में हमने नॉर्थ और साउथ दोनों ही इंडस्ट्री से कॉम्बिनेशन देखा है। इस यूनिवर्स की अब तक आई चारों फिल्मों में अगर सुपर कॉप बॉलीवुड का होता है तो सुपर विलन साउथ का होता है, और शायद यही है इन फिल्मों के हिट होने के पीछे का फॉर्मूला। इस बार भी सूर्यवंशी 2 का सुपर विलन साउथ का ही होगा। सूर्यवंशी की कहानी टेररिस्ट पर बेस्ड थी क्योंकि वीर सूर्यवंशी एटीएस का ऑफिसर है। इस बार भी कहानी बॉम्ब ब्लास्ट पर ही बेस्ड होने वाली है, और ये विलन जिसका किरदार प्रकाश राज या फिर विजय सेतुपति में से कोई एक प्ले करने वाला है, वो एक करप्ट पॉलिटिशियन होने वाला है जो इन आतंकवादियों के साथ मिलकर पैसों के लिए अपने देश को खतरे में डाल देगा। ये दोनों ही साउथ एक्टर्स कमाल के एक्टर्स हैं और विलन के किरदार के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, और इनका फिल्म में होना मतलब कि साउथ ऑडियंस के बीच था ये फिल्म अपने आप ही ना हिट हो जाएगी, और साथ ही इन दोनों की तो नॉर्थ में भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो वहां भी फायदा होगा। तो रोहित शेट्टी और सूर्यवंशी 2 दोनों को ही इससे काफी फायदा होने वाला है। अब सूर्यवंशी की कहानी साल 2008 की मुंबई बम धमाकों के वक्त अपनी जान की बाजी लगा देने वाले डिप्टी कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल की स्टोरी पर बेस्ड थी, जिससे कि इस फिल्म को एक रियल एलिमेंट मिल गया था, एक रियल टच मिल गया था। इस बार सूर्यवंशी 2 की स्टोरी भी ऐसे ही एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, क्योंकि रोहित शेट्टी अपने कॉप यूनिवर्स के जरिए हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ऐसे ही एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर है शिवदीप लांडे, जो मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल के डिप्टी कमिश्नर है। इन्होंने अपने आज तक के करियर में काफी सारे फेक कॉस्मेटिक सेलर्स और मेडिसिन माफियाज को पकड़वाया है। जी हाँ, इसके साथ ही वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के खिलाफ भी ना कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुके हैं, और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। साथ ही उन्होंने इलीगल वाइन शॉप और मेडिसिन शॉप्स के रैकेट को भी पकड़वाया है, और मुंबई जैसे हैवी ट्रैफिक वाले शहर में उन्होंने इफेक्टिव ट्रैफिक लॉज भी एम्प्लाई किए हैं। उन्होंने आज तक मुंबई के लोगों के लिए सेल्फलेस सर्विस की है, और ऐसे बहादुर ऑफिसर की कहानी तो सबके सामने आनी ही चाहिए क्योंकि यही तो हमारे रियल हीरोज है। तो इनकी स्टोरी पर बेस्ड वीर सूर्यवंशी का किरदार हो सकता है। रोहित शेट्टी इनकी स्टोरी में थोड़ा सा फिक्शन ऐड कर सकते हैं और अपनी एक नई कहानी बना सकते हैं, जिसमें इस बार सूर्यवंशी गलत दवाइयां बेचने वालों को पकड़ेंगे, जिसमें रिया सूर्यवंशी जो कि एक डॉक्टर है उसकी काफी मदद कर सकती है, और साथ ही सूर्यवंशी के बेटे का किरदार भी काफी अहम होने वाला है इस फिल्म में, क्योंकि दुश्मन सूर्यवंशी के अपने बेटे या फिर अपने देश में से किसी एक को चूज करने के लिए वो उसे बोलेंगे। तो क्या आप ऐसी स्टोरी देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।